आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन विभाग में आपकी वैकेंसी निकली, जो कि अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है, पूरी ऑल इंडिया की वैकेंसी निकली। उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप कर सकते हैं आवेदन, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो इन सब की बात करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चलता रहे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल की आपकी जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन डिवीजन की आपकी वैकेंसी लिखी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन आपका 30/10/2020 को आया है। ठीक है, एडवर्टाइज नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है जो स्टेट वाइज दे रखी है, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन की गुजरात की ट्रेड आपको दे रखा है, पोस्ट कोड देकर यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल सीट दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया दे रखा है, गुजरात राजस्थान, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल बिहार की यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगी। आपकी बिहार में टोटल आपको देखने को मिल जाए कितना है, असम में आपको कितना टोटल है, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाए कितना टोटल है। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में आपको साउथ रीजन में आए नीचे आ गए। ठीक है, झारखंड में यहाँ पे आपको देखने मिले, इस तरीके से आपको सारी ट्रेड की यहाँ पे देखने मिल जाएगी, टोटल आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, 482 ट्रेड है यहाँ पे, इस तरीके से आपको वैकेंसी देखने मिल जाएगी। पाइपलाइन टू डिवीजन टोटल हमारी 482 है, जो कि हमारे जनरल में है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपकी वैकेंसी है ये है, तो आप देख सकते हैं आपकी हर स्टेट वाइज दे रखी है इन्होंने। अब बात करते हैं किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। 4/11/2020 से लेकर 22/11/2020 तक आपको शाम को 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके आवेदन करने की मैंने बता दी, यहाँ पे आपको जो आपके जो ट्रेड के आपकी वैकेंसी हैं जो कि फिजिकल डिसेबल है यहाँ पे आपको दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पे टेक्निकल आपके अप्रेंटिस मैकेनिकल की देखें 3 ईयर होना चाहिए। ठीक है, आपको उसमें से 2 ईयर आपका थ्रू आई लेटरली एंट्री फॉर आफ्टर ITI, मिनिमम आपको 1 ईयर ड्यूरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका 10+2 का होना चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा एनी फॉलोइंग आप डिसिप्लिन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं आपको यहाँ पे 3 ईयर होना चाहिए, आपका फुल टाइम डिप्लोमा एनी फॉलोइंग डिसिप्लिन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट में देखकर 3 ही साल का होना चाहिए ITI, फुल टाइम डिप्लोमा एनी ऑफ फॉलोइंग आप यहाँ पे नीचे देखने को, इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड आपके अप्रेंटिस की बात कर, फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। ट्रेड अप्रेंटिस भी अकाउंटेंट में दे सकते हैं, फुल टाइम आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन एंड आपके कॉमर्स फ्रॉम इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, बट बिलो ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको दे रखा है। डोमेस्टिक डाटा आपकी एंट्री ऑपरेटर की देखिए, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। ठीक है, आपको एडिशनल कैंडिडेट शुड भी आपको आपको प्रोसेस होना चाहिए, स्किल क्वालिफाइड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर ट्रेनिंग लेस देन 1 ईयर, इशू अवार्डेड बॉडी रिकोगनाइज अंडर नेशनल स्किल्ड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन में। एज क्राइटेरिया की बात करें, 18 से लेकर 24 रखी गई, 30/10/2020 के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे ट्रेनिंग करेगा, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल T&I का दे सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन का 1 ईयर, आपका ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट HR अकाउंट का 1 ईयर, डाटा एंट्री ऑपरेटर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर 15 महीने का रहेगा। उनकी पे स्किल रहेगी जो कि उनके गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रहेगी। आपकी जो फीस है 5 साल, आपकी जो एज रिलेक्शन है 5 साल, SC ST OBC की 3 साल का रहेगा। फिजिकल डिसेबल डालोगे यहाँ पे दे सकते हैं आपका 10 साल, SC ST है तो 15, OBC है तो 13, इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने हो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट आपका MCQ टाइप के होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से एक आपको सही करना होगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन के 100 नंबर होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ फॉर टेक्नीशियन के दे सकते हैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 75 आपके क्वेश्चन सेल भी आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे जो आपका है, 25 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के रहेंगे, नॉलेज ETC के। फॉर टेट आपके अकाउंटेंट में 100 नंबर के रहेंगे, 75 आपके आपके जनरल अकाउंटेंट कॉमर्स फाइनेंस के रहेंगे, 25 आपके सेम जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज की ETC के रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके फॉर आपके असिस्टेंट HR के यहाँ पे दे रखा है,
और डाटा एंट्री देख सकते हैं, आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इसे, और क्लास 12 के बेस पर रहेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का रहेगा। कैंडिडेट फॉर क्वेश्चन पेपर आपके आपका इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज होते हैं। मिनिमम क्वालिफाई आपका जो रिटन टेस्ट है 40 का रहेगा, और एज जो रिलेक्शन रहेगा 5% फॉर SC/ST और PVWT के लिए रहेगा। ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट डज नॉट बी कन्फर एनी राइट टू या क्लेम के, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी दे दी गई। फॉर रिजर्व अनफिल्ड सीट के बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं क्या क्या आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है महत्वपूर्ण, डिसेबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे जानकारी दे रखी है, ठीक है। जनरल कंडीशन दे रखा है, इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको रिक्वायर करें जो सबसे फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, सबसे पहले देखो आपको इस वेबसाइट जो कि MHRD में आपको खोल के दिखा देता हूँ, इन वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो ITI है, तो ITI वाले अप्रेंटिसशिप इंडिया पे जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जो ग्रेजुएशन है वो इनको आपकी ये इस वाली वेबसाइट जो MHRD NETS पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप फिर आप इजीली आपके जो फॉर्म भरने का आएगा जो कि 4 तारीख से, तब आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे दे सकते हैं ईमेल ID दे रखी है, ठीक है, आपको क्वारी के लिए वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट दे रखा है, यहाँ पे आपको तारीख दे सकते हैं, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ। जैसे इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं IOCL पाइपलाइन की वेयर अप्रेंटिस शैल बी इंगेज, तो इनकी जानकारी दे रखी है, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे आपको जानकारी दे रखी है, वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो दे सकते हैं यहाँ पर आपको जो कि ग्रेजुएशन वाले हैं वो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, एनरोलमेंट पे यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको इनरोलमेंट करना है, यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट है, इस तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कि आपका जो कि हमारे जो कि ITI वाले हैं उसके लिए यहाँ पे आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन पर जाना है, इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया किस तरीके से आपको करना है। अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको उनकी जानकारी मिलती रहेगी। और ऐसे ही किसी अपने फ्रेंड को जो जॉब गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी तलाश में रहते हैं, उनको आप हमारा चैनल बताएं, उनको शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे कि वो इन वैकेंसियों के बारे में पता कर सके और अप्लाई कर सके। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।